कोई ये पागल नहीं बैठे भाई, ईडी और सीबीआई वाले कानून के बाल में से बाल निकालने वाले होते हैं ये। जितना बड़ा चोर होगा वो कभी रात को अपने घर नहीं सोएगा, वो अपने चेले चपाटों के घर सोता है जाकर के। क्यों रात को रेड जो पड़ेगी मेरे घर पे पड़ेगी भाई। बात तो जिसके जिस पे लाठी पड़ गई वो तो पकड़ा गया, और जिनके लाठी नहीं पड़ी वो तो बचे हुए हैं। लाठी किसी के पड़ी गई, कोई ना कोई निकल आएगा जरूर ऐसा। और ये क्या, ये तो सब भ्रष्टाचार है। मोदी करवा रहा है। मोदी क्यों नहीं काम का करवाएगा भाई, हमारे लोगों का पैसा। अभी आपके जेब में से मैं 10 रुपए निकाल लूंगा, आप मुझे पकड़ के मारोगे ही ना। और चाहे केजरीवाल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, मोदी का टक्कर कोई दे नहीं रहा है। उससे इतना पैसा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, उससे पीए का या जो एम्प्लाई है उसका पैसा नहीं हो सकता। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक कुमार। झारखंड में एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री के जो पीए हैं, जी हाँ सेक्रेटरी, जो 15,000 के महीने पे उनके साथ काम करते हैं, उनके घर से 30 करोड़ रुपए बरामद होता है। ये पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी झारखंड में कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद रहे धीरज साहू, उनकी तरफ से भी जब उनके घर पे जब छापा पड़ता है तो 350 करोड़ वहाँ बरामद होते हैं। हम सबको नहीं भूलना चाहिए, इस वक्त झारखंड का जो पूर्व मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन वो जेल में है। जी हाँ, जब हेमंत सोरेन जेल में है, और इससे पहले भी बीते दिनों बड़े बड़े नेताओं के घर जब आईटी का रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद हो रहे हैं। अब सवाल ये है आखिर झारखंड में ये हो क्या रहा है, और ये जो रुपए मिले, अब सवाल ये भी उठता है चूंकि चुनाव इस वक्त चल रहा है तो क्या इन रुपयों का जो इस्तेमाल है चुनाव में होना था। ये 30 करोड़ रुपए जब एक छोटे से पीए के घर से मिल सकता है तो मंत्री जी के घर से कितने करोड़ रुपए और मिलने की संभावना है। आइए अब इसी मुद्दे पर यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं। झारखंड में 15,000 की सैलरी पर एक मंत्री जी का पीए था, ग्रामीण विकास मंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी से जो सरकार में है, जिसका सीएम अंदर है, ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के घर से जो 15,000 की सैलरी पर है 30 करोड़ रुपए बरामद हुए। जितना बड़ा चोर होगा वो कभी रात को अपने घर नहीं सोएगा, वो अपने चेले चपाटों के घर सोता है जाकर के। क्यों रात को रेड जो पड़ेगी मेरे घर पे पड़ेगी। पैसे मंत्री जी के थे और किसके थे, मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेट में दर्द उसी के हो रहा है। 14 का 19 का 1 नारा था, जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है, तो वो सही साबित होने जा रहा है। तो जब पहले भी साहू के यहाँ से पकड़ा गया था वो कांग्रेस का था राज्यसभा सांसद, आज इसके यहाँ से हेमंत सोरेन का मंत्री पकड़ा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, मोदी जी ने या ईडी ने या सीबीआई ने जो जांच करी है वो जांच गलत नहीं है। कोई ये पागल नहीं बैठे भाई ईडी और सीबीआई वाले, समझे, ये भी अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, कानून के बाल में से बाल निकालने वाले होते हैं ये। ये जितने भी मिलेंगे आपको मंत्री वो अपने घर नहीं रखते, वो अपने चेले चपाटों के यहाँ रखते हैं, तो वो भी आएंगे लपेटे में। क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं है। ये दोनों सीएम जेल गए, ये भारत के सौभाग्य है, और आगे भी ऐसे ही जाते रहेंगे। विपक्ष के इंडी गठबंधन के अलायंस भी है इस वक्त जो जेल में है, ये सारे अलायंस भी है, और इनके सेक्रेटरी के घर से जो करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। जी सर, जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। अगर कल को केजरीवाल साहब अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं क्या उनका ही वही पाक साफ हो जाएंगे? फिर जी कल क्या होना है, मैं अभी जा रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कल यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिले, तो कल की गारंटी आएंगे। आप हर दिन आइए, आप डेली आए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मुद्दे की बात। कल का जिंदगी तो एक सेकंड का नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ अगर कल को केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर ले, और भी जितने कल्प्रिट है जो अंदर बैठे वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। हम आगे फ्यूचर में नहीं जीते, हम करंट में जी रहे हैं। चलिए करंट में आते, हम वर्तमान में आते। 15,000 की सैलरी पे एक सेक्रेटरी है, ग्रामीण विकास मंत्री जी का सेक्रेटरी, 15,000 सैलरी है उसकी, घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। हाँ जी भाई, बात तो जिसके जिस पे लाठी पड़ गई वो तो पकड़ा गया, और जिनके लाठी नहीं पड़ी वो तो बचे हुए हैं। लाठी किसी के पड़ी गई, कोई ना कोई निकल आएगा जरूर ऐसा। और ये नहीं कि सिर्फ ये ओपोजिशन पार्टी गई है, कल वो बीजेपी पार्टी का भी निकल सकता। पहले भी झारखंड में लाठी पड़ी थी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर पे 350 करोड़ रुपए, धीरज साहू। ये तो चलता रहना भाई साहब, ये तो कांग्रेस ही काम है, जो एक बन गया तो राज करना ही करना है यार। एक और हमारा सवाल है, कांग्रेस के बड़े नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा है जो लोग मोदी जी को मानते हैं वही भारत के समर्थक है, वही राम भक्त है, जो जिन्हें मोदी से इस वक्त कष्ट है, जो मोदी जी को नहीं मानते वो देशद्रोही है। ये उनका अपना मत है भाई। देखो मैं पूरे भारत को या पूरे ऑल वर्ल्ड को मैं इन शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मैं इन सब भाइयों से अपनी दुश्मनी नहीं कर सकता। वो कृष्णन के अपने शब्द हैं, वो क्या बोलना है उन्हें बोलने दो। देखिए ये तो अपने अपने मत है, लेकिन क्या है कि आज अगर वो कांग्रेस में है तो बहुत बड़े देशद्रोही है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाए उनका पटका डाल लेने के बाद वो वाशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो ये तो राजनीति हो गई आज की। आजकल क्या है,
विकास का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें चल रही हैं। जबकि चाहिए युवा वर्ग कितना बेरोजगार है, क्या एजुकेशन लेकर क्या सबको वैकेंसीज मिल रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। आप बच्चे पैदा करते रहो धड़ाधड़ आपको रोजगार मिल जाएगा क्या? 32 करोड़ नहीं, जनसंख्या 32 करोड़ जनसंख्या था यार 1947 में, आज 141 करोड़ हो गया, कितने गुना बढ़ा? 5 गुना। जनसंख्या नियंत्रण भी वो भी बहुत जरूरी है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण, अगर एक परिवार में अगर 16 बच्चे होंगे, उसके पास जमीन जो है उससे 16 बच्चों को पेट नहीं पाला जा सकता। इसलिए ये चीज भी उसको सोचनी होगी कि हमें आबादी पे कितना ध्यान देना है। ये नहीं है कि हम बच्चे पैदा करें वो भी गलत है, उस पर भी कानून होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इसका भी है कि हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आज हमारा युवा रोजगार है बेरोजगार है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, झारखंड में इस वक्त एक सेक्रेटरी के घर से 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 15,000 की सैलरी कमाने वाला सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्री का सेक्रेटरी है हेमंत सरकार में, जिसके CM जेल में है, सेक्रेटरी के घर 30 करोड़ रुपए कहाँ से आए भाई? ये क्या, ये तो सब भ्रष्टाचार है, और कहाँ से आ सकता है? इंडी गठबंधन में ये लोग अभी शामिल है, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो दूध की धुली हुई है, सब में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो A to Z आप चेक करिए सबके साथ। कांग्रेस जो भाषण दे रही है ना, सबसे गलत पार्टी कांग्रेस है। मोदी ऐसा आदमी है, इंसान है, जो देश आज ऊंचाइयों पे जा रहा है, ठीक है, और चाहे केजरीवाल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, मोदी का टक्कर कोई दे नहीं रहा है। जिस बच्चे बच्चे के मुंह से मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। 70 सालों में कांग्रेस ने किया क्या? एक काम गिनाए, 370 नहीं हटा, मोदी 10 सालों के अंदर काम का हटा के किनारे फेंक दिया। जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई लड़ती थे, वो भी काम का मोदी के राज में सुलट गया, एक मच्छर भी नहीं मरा। अब काम के जहाँ जहाँ जो मुद्दे हैं, ये एक्सप्रेस हो, हाईवे हो, आज काम का एयरपोर्ट हो, सब मोदी ऐसा इंसान है जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन सर 30 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं झारखंड में। ये कहते हैं ईडी गलत काम कर रही है, मोदी के इशारे पे चल रही है, तो पूछो ये पैसे कहाँ से आते हैं। ये कहते हैं ना कि BJP एक तरफा वो कर रही है। मंत्री जेल में है और PA के घर से 30 करोड़ रुपए। इससे पहले भी एक कांग्रेस के सांसद रहे धीरज साहू, 350 करोड़ उनके घर से निकले। अभी तो 5 चुनाव रह रहे हैं, 5 चुनाव में इनको यूज कर सकते थे, करने वाले थे, हो सकता है। ये ईडी की कार्रवाई है, यहाँ तो विपक्ष नहीं कहेगा ना ये तानाशाही कर रहे हैं मोदी। आज कोई भी नहीं बोलेगा, आज BJP बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, आज सब चुप रहेंगे। क्यों, इन मुद्दों पर क्या बोलेंगे? क्योंकि इनके इंडिया गठबंधन के अलायंस है ये लोग, वही हैं सब, चट्टे पट्टे एक जैसे ही हैं, चोर बैठे हुए हैं। जब ये कहते हैं ना ये BJP वाले भी चोर हैं, जब उनकी सरकार आएगी BJP वाले निकालो, जनता को तो फायदा होगा ना, जनता को तो फायदा ही होगा ना, सारे पैसे तो जनता आर निकले, जनता के पैसे है ना, चाहे वो खा रहा है चाहे ये खा रहा है, इनका निकले चाहे उनका निकले, तो सबके निकलना चाहिए ना बात। इनकम टैक्स जो आपने अभी 10 मिनट पहले जवाब मांगा था भाई साहब से, वो ईडी इनकम टैक्स ले कहाँ था? कांग्रेस के राज में कहाँ था? ये तो आज का है नहीं, ईडी इनकम टैक्स CID का होगा, आज का बनाया हुआ है नहीं, ये तो संविधान है ना सर। तो जो भ्रष्टाचारी थे ना, तो BJP के राज में सबको काम का उठा के BJP दिखाई दे रही है, काम का विपक्ष पार्टियों को मोदी करवा रहा है। मोदी क्यों नहीं काम का करवाएगा भाई? हमारे लोगों का पैसा अभी आपके जेब में से मैं 10 रुपए निकाल लूंगा, आप मुझे पकड़ के मारोगे ही ना। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, इस वक्त नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उनका बयान आ रहा है कि जो लोग मोदी जी के समर्थक है वही अच्छे लोग हैं, राम भक्त हैं, और बाकी सब देशद्रोही। नहीं, वो कांग्रेस का, उसका मैंने भी सुना है, वो कह रहा है 4 जून के बाद कांग्रेस की 2 हिस्सों पड़ जाएगी, राहुल गांधी की हो जाएगी, एक प्रियंका की हो जाएगी। क्यों? ये जो रायबरेली में जो टिकट प्रियंका मांग रही थी उसको दिया नहीं, राहुल की इज्जत बचाने के लिए वहाँ टिकट दे दिया उसको, अमेरिका तो हाल उनको पता ही, हार जाएंगे। प्रियंका खुद मांग रही थी रायबरेली, ये इनका अभी 4 जून के बाद पता लगेगा, वो बताएगी मेरी पार्टी अभी और टूटेगी क्या? अब रहा ही कौन है पार्टी में, हर दिन किसी न किसी बड़े नेता का इस्तीफा हो रहा है। वो होएगा, दिल्ली में भी हो गया, और जगह लोग टिकट वापस क्यों कर रहे हैं? अभी कल लेडी ने एक टिकट वापस किया है, कह रहा है कि मेरे को पैसा नहीं दे रहे लड़ने के लिए, मैं कहाँ से चुनाव लड़ूं। राधिका खेरा कहती हुई जा रही है कि हमें राम मंदिर जाने से रोका गया, अरविंदर सिंह लवली यही बात कहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं कि बाहरी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है दिल्ली में। अरविंदर लवली की बात है, अब जब राम मंदिर के गए हुए 3 महीने हो गए, जबकि उसने रिजाइन नहीं दिया, अभी क्यों रिजाइन दिया? अब उसको प्रॉब्लम ये होगी, उसको टिकट नहीं मिला, हो सकता है कन्हैया कुमार एक ऐसा भ्रष्ट
कन्हैया कुमार है देश तोड़ने वाला आदमी को टिकट दे सकते हो, मनोज तिवारी इतना खुश है कि वो बिना इलेक्शन के जीत जाएगा, ऐसा बंदा खड़ा कर दिया उसके सामने। मनोज तिवारी के तो बल्ले बल्ले हो गए, और क्या, ऐसा बंदा खड़ा कर दिया उसको 2000 वोट ना मिले। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को सच में वाकई अब कैंपेन के दिल्ली में जरूरत ही नहीं है, ये विपक्ष वाले ही जितवा देंगे? एक दो तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, जब चुनाव नजदीक आएंगे ना एक मीटिंग दो मीटिंग तो होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, कि लोग भी देख ले यहाँ भीड़ कितनी होती है, कभी धोखे में मारे जाए एक दो सीट निकल जाए शिफ्ट तो हो सकता है ना। क्या लग रहा है दिल्ली में 7 सीटें अभी तो 7 का लग रहा है बीजेपी के, किस आधार पे कह सकते हैं विपक्ष, क्योंकि विपक्ष आप ये मत भूलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, जो वोट बढ़ता था वो बटेगा नहीं इस बार। समझ गया वोट देखो ऐसा है दोनों का पार्टी का टोटल मिला के पिछले बार के हिसाब से भी कम पड़ता है, और जो ये मत समझो कि जो आम आदमी के थे वो आम आदमी में ही है, ये मत समझो, वोटें तो टूटती हैं इधर उधर जाती हैं, कांग्रेस की और वोट टूट चुकी हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ख़राब है। अब ये राजकुमार चौहान और ये टूटे हैं पश्चिमी दिल्ली में, क्या वो अपने एरिया छोड़ देंगे क्या? इन वजहों से कांग्रेस का ये डाउनफॉल शुरू हुआ है। डाउनफॉल ये है, सबसे बड़ा मेन फैक्टर है राहुल गांधी, राहुल गांधी की पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, संसद में फाड़ते कागज कानून फाड़ते कुछ नहीं है, पार्टी कह रही है ये कानून है, वो कह रहा है कोई कानून नहीं है, तो लोगों के दिमाग में होते ये एक परिवार की पार्टी है, परिवार पार्टी में वो राहुल गांधी वो बच्चा है मम्मी के द्वारा जबरदस्ती कांग्रेस उसमें राजनीति में लाया हुआ, बच्चा पढ़ने में किसी लायक नहीं होता ना, उसको पढ़ाया जाए कि तू MBBS कर, वो बच्चा ये राजनीति के मतलब का नहीं है, न इसको बोलना आता न इसको काम करना आता कुछ नहीं आता। अडानी और मोदी पे निशाना रखता है, अडानी इसको हरवा के मानेगा, अडानी का मुद्दा छोड़ के कुछ और मुद्दा लेके चले तो इससे बेटर रहेगा, क्योंकि अडानी का मुद्दा लेके चल रहा है पिछली बार भी वैसे ही पंगा किया, अडानी तुम बोलोगे अपना आप ही लोग वैसे भी खिलाफ जाकर, आधे लोग तो अडानी को जानते भी नहीं है, गरीब लोग तो कहेंगे हमें क्या मतलब अडानी से, वोट तो हमने तो उसको देनी है मोदी को, कोई ऐसा मुद्दा लाओ जो मोदी के खिलाफ वोट देने के मजबूर हो जाए लोग। मंत्री के घर में खुद तो नहीं मिला, वो कहीं अदर सोर्स से कहीं से वो उसको वहाँ पहुँचाया गया होगा, ऐसा जरूर है। बताइए जो एक PA है 15,000 की सैलरी पर है, क्या उसका इनकम इतना हो जाएगा कि 30 करोड़ रुपए वो जमा कर ले घर में? उससे इतना पैसा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, उससे PA का या जो एम्प्लाई है उसका पैसा नहीं हो सकता हो। यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है दबा के झारखंड में। हाँ 420 करके इधर गया है पैसा उसका। पहले भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे कारोबारी धीरज साहू, 350 करोड़ उनके घर से भी बरामद हुए थे, वो मामला भी आपने सुना होगा तब तो। चीफ मिनिस्टर इनके जेल में है, तो ये क्या लग रहा है झारखंड में इस वक्त हो क्या रहा है? झारखंड की सरकार फिलहाल डंप है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है, जो राम को मानते हैं वो राम के भक्त हैं, वो मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन जो राम को नहीं मानते हैं, जो मोदी जी को नहीं मानते वो देशद्रोही है। ऐसा नहीं है, जो हिंदू है अपने आप को हिंदू कहते हैं वो राम भगत हैं हर हालत में है, वो मोदी के साथ हो या ना हो वो बात अलग है, वो ये बीजेपी एक सरकार या मोदी की सरकार है वही केवल ये मानती है कि हम हिंदू हैं, और कोई हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनसंख्या में कोई हिंदू ही नहीं है, बिल्कुल सरासर बेइंसाफी बिन उसकी वो बात है, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। जो उसका उद्घाटन हुआ, जरूरी नहीं सबको इन्वाइट किया जाए या वो जाए, बिना इन्वाइट के भी जा सकता था, कोई जरूरी नहीं कि जो इन्वाइट किया हो या उनका अपना कोई प्रोग्राम हो, केवल बीजेपी सरकार का हो, तो एक प्रोग्राम था वो तो सभी राष्ट्र के सभी हिंदुओं के लिए था, सब कोई जा सकता था, लेकिन उनको ये भी कहा गया ये राम भगत नहीं है, ये नहीं है, वो कोई बात है बोला कैसे।